मध्य प्रदेश में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते कई जिलों में तबाही मची हुई है। वहीं छतरपुर जिले में भी भारी बारिश के चलते हजारों एकड़ की फसल पानी में डूब गई। छतरपुर जिले में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों की फसल चौपट हो गई है, जहां के 38 गांवों की फसल बारिश से बर्बाद हो गई है। धसान, उर्मिल और बीला नदी उफान पर होने से हजारों एकड़ की फसलें पानी में डूब गई है। प्रभावित किसानों ने बताया कि सोयाबीन, उड़द, तिली और अन्य फसलें भी पूरी तरह से डूब चुकी हैं, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। वहीं कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने बारिश से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए राजस्व के अमले के लिए सर्वे टीम बनाई है, जो मौके पर जाकर बारिश से प्रभावित किसानों की फसल देखेगी। हमारे यहाँ 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए जब बीला नदी निकली है हमारे यहाँ, तो उसने बीला नदी में जब बाढ़ के कारण हमारे यहाँ की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। आप भी देख लेगा कितनी बाढ़ आ चुकी है हमारे यहाँ पर। बारिश 2 दिन से हो रही है हमारे यहाँ लगातार, अभी भी लगातार हो रही है। तो हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को मुआवजा मिल सके। हमारा सोयाबीन, उड़दा और तिली ये सब बहा चुका है, हजारों के एकड़ में नुकसान हो चुका है हमारा। छतरपुर जिले में पिछले 2 दिनों में अत्यधिक वर्षा हुई है, लगभग 13 सेंटीमीटर की बारिश हमारे 3 तहसीलों में ज़्यादा हुई है। बड़ा मलेरा, गोवारा और छतरपुर की सहायता तहसील हमारी भी यह प्रभावित हुई है। इसमें 38 ग्राम चिन्हित हुए हैं जहाँ पे किसानों की फसल क्षति हुई है। उसके लिए हमारी राजस्व की और कृषि विभाग की संयुक्त टीम निरीक्षण कर रही है, और जितनी भी फसल क्षति हुई है उसमें जो भी हमारे आगे से शिक्षा रहते हैं, प्रावधान रहते हैं, उनके अनुसार उनको मुआवजा वितरण किया जाएगा। कल विभिन्न जगहों पर बाढ़ की कंप्लेंट आई थी हमारे पास, और कुल मिला के 9 स्थान पे, मेरे जो जानकारी है 9 स्थानों पे हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कमांडमेंट, होमगार्ड के द्वारा, SDRF और NDRF तीनों दल के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए हैं। कुल मिला के अभी तक 160 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, और आगे के लिए भी एक बाढ़ आपदा संबंधी बैठक भी करी गई है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया, राजस्व अधिकारियों को, कि ऐसे लो लाइंग एरियाज को चिन्हित कर लें जो हमारे धसान नदी, हमारे उर्मिल नदी के तरफ आते हैं, और साथ ही साथ ऐसे घर जो जहाँ पे जो लो लाइंग एरियाज में हों उनको वेकेट कराने की कार्रवाई करें, और घबराने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पर्याप्त सुविधाएँ हैं बाढ़ राहत के लिए, कोई भी स्थिति हो तो उसके लिए नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है। आज मौसम साफ है, आज बारिश नहीं हुई है, और आज कहीं से कोई इस तरीके का पॉइंट नहीं आया। पानी का स्तर भी नीचे गिरता जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।